तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला, बोल आप लोगों ने थंबनेल में तो देख लिया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीजे पर स्टीकर या फोटो कैसे ऐड करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लगा लेता हूँ फन पे लगाते हैं। गाइस देखिए, हमारा ट्रैक्टर थोड़ा स्पीड भागने लगा है, क्योंकि आपका सिमुलेटर पे लगा रहता है तो तेज नहीं भागता ट्रैक्टर, तो आप भी फन पे लगा सकते हो। देखिए तो हम गाइस यहाँ से काट के देखते हैं, पहले यहाँ से निकल पाता है ट्रैक्टर या नहीं। तो यहाँ से तो निकल गया, फिर से देखते हैं एक बार निकाल के निकलता है या नहीं। लेकिन उससे पहले इसके टायर हम बड़े करेंगे, क्योंकि बड़े टायर करके चलाते हैं कैसा चलता है हमारे मड़ मोड़ में ट्रैक्टर। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग बड़े टायर करने। तो आ गए गाइस हम बड़े टायर करने, तो इतना सही है। तो जल्दी से एडजस्टमेंट करके देखते हैं कौन सा टायर सही है। तो जल्दी से हम टायर चूज़ कर लेते हैं, फिर इसको मड मोड़ में चला के देखते हैं। तो हम इसकी साइज में चलते हैं, क्योंकि इसमें तो ये हो नहीं रहा। तो जल्दी से चलते हैं हम साइज पे क्लिक करके। तो यहाँ से थोड़ा चेंजेस करेंगे इसके टायर में। तो जल्दी से करते हैं चेंजेस और बना लेते हैं हम अपने ट्रैक्टर में बड़े टायर। तो इतना सही नहीं है, ऊपर वाला भी करके देखते हैं 1.5 कितना कर लें। तो गाइस थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद ये टायर बड़े होने लगे, तो मैं यही वाले सही अब देखते हैं चला के। गाइस ये टायर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इससे आगे वाले टायर हवा में उठ रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, बस आगे वाले टायर हवा में उठे हुए हैं। अब की बार गाइस हम बैक करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो एक बार और आगे करके बैक करेंगे, और नहीं हुआ तो दूसरा ट्रैक्टर लेके हम फिर से कोशिश करेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसको हम कर रहे हैं बैक, लेकिन ये बैक नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस इसको आगे की तरफ कर दें, अगर नहीं हुआ उसके बाद भी बैक और बाहर नहीं निकला तो लेंगे हम दूसरा ट्रैक्टर। तो ये थोड़ा ही बचा है चढ़ने के लिए, लेकिन ये चढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि इसके टायर मैंने बड़े कर दिए हैं। अब इसको एक बार बैक करके देख लें, अगर नहीं हुआ तो हम दूसरा ट्रैक्टर लेंगे। और गाइस ये मड़ मोड़ जो ऐड हुआ है अभी के अपडेट में, इसके ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे आए हैं। अगर आपके में नहीं आ रहा तो जल्दी से जाके गेम को अपडेट कर लीजिए, फिर आपके में आने लगेगा मड मोड़ और टोचन मोड़ दोनों ही। तो ये निकल नहीं रहा है, तो चलिए गाइस हम दूसरा ट्रैक्टर लेते हैं। तो हमें उसके लिए ऑप्शन में जाना होगा, तो जल्दी से चलते हैं हम अपने ऑप्शन में और लेते हैं नया ट्रैक्टर, यानी दूसरा वाला ट्रैक्टर। तो मैंने न्यू ऑनलाइन ट्रैक्टर ले लिया है। तो देखिए गाइस ये चढ़ गया है, क्योंकि इसकी पावर बड़ी हुई और फन पे भी लगा हुआ है। तो चलिए गाइस सब आप लोगों को बताते हैं। तो जल्दी से निकलते हैं मड से उस साइड, और मड से निकलने के बाद हम एक बार और स्पीड में मड से निकलेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए हमें जाना होगा आगे, तो जल्दी से चलते हैं आगे और मोड़ लेते हैं अपना ट्रैक्टर। अब चलते हैं फिर से कीचड़ वाले मैप, यानी मड मैप में। तो आ गए हैं गाइस, और चलते हैं उस साइड जल्दी से। इस बड़े खड्डे में भी हम जाएंगे और इसको पार भी करेंगे। तो आ गए हम बड़े खड्डे में, और इस ट्रैक्टर ने आसानी से इसको पार कर दिया। अब निकल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अपना फेवरेट ट्रैक्टर कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, आपको कस्टमाइज में आ जाना है यहाँ पर। यहाँ पे आके आप लोगों को इस बार के अपडेट में प्लस का चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ गैलरी में आ जाता हूँ, स्टिकर सेलेक्ट करता हूँ, लग गया। तो कैसे ऐसे ही आप भी लगा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।